एयर इंडिया घाटे में चल रही है, इस कारण केंद्र सरकार इसे बेचने की तैयारी में है। एयर इंडिया का निजीकरण हुआ तो एक बार फिर यह टाटा समूह के नियंत्रण में जा सकती है। इसके निजीकरण की चर्चाओं के बीच टाटा समूह ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। टाटा इस दिशा में बातचीत की भी शुरुआत कर चुका है। यह सौदा यदि पूरा होता है तो एयर इंडिया के लिए यह घर वापसी जैसा होगा। 1953 में राष्ट्रीयकरण के पहले इसका मालिकाना टाटा के पास ही था। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने सरकार के इस संबंध में अनौपचारिक बातचीत में 51% भागीदारी लेने की इच्छा व्यक्त की है। टाटा 3 बार इसे खरीदने की पेशकश भी कर चुका है। एयर इंडिया पर अभी 52,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। सरकार इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर कर चुकी है, जिसमें से 24,000 करोड़ रुपए की रकम भी दी जा चुकी है। साल 2013 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा था कि जब भी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा तो इस पर विचार करने में टाटा ग्रुप को खुशी होगी। टाटा ग्रुप पहले से देश में एविएशन सेक्टर में मौजूद है। नीति आयोग ने एयर इंडिया के निजीकरण की सिफारिश की है। कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया का निजीकरण होगा और कैसे इसे उबारा जाएगा, इसके बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेने वाला है। दशकों से घाटे में चल रही इस विमान कंपनी का कुछ समय पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी निजीकरण किए जाने का संकेत दिए थे। ऋतु के साथ अमित, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।